संसार समुद्रतार नौकायदाभ्यां गुरुभक्तिदाभ्यां वैराग्यसाम्राजद पूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। कवित्ववाराशि निशाकराभ्यां दौर्भाग्यदावां बुधमालिकाभ्यां दूरीकृतानम्र विपत्तिताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। नताययो श्रीपतितां समीयुः कदाचिदभ्याश दरिद्रवर्याः मूकाश्च वाचस्पतितां हिताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। जशकन्यकाभ्यां नृपद्वदाभ्यां नतलोकपङ्क्तेः नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। पापान्धकारार्क परम्पराभ्यां तापत्रयाहीन्द्र खगेश्वराभ्यां जाड्याभिसंशोषणवाडवाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। प्रदवैभवाभ्यां समाधिदान प्रददीक्षिताभ्यां रमादवाङ्घ्रिस्थिरभक्तिदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। स्वाचापराणां अखिलेष्टदाभ्यां स्वाहा सहाय जगारुणाभ्यां विवेक वैराग्य निधि प्रदाभ्यां मोद प्रदाभ्यां कृत मोक्षदाभ्यां नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां मोद प्रदाभ्यां कृत मोक्षदाभ्यां नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां सॉरी आप लोगों को वेट करवाया. नमस्ते. यस. सो लाइफ के बारे में जो हम सोचते हैं कि ऐसी हो, वो एक्चुअली वैसी नहीं होती और शायद आगे हो भी ना. जो आपने प्लान्स किए हैं वो ना हो. वॉट एवर यू हैव सीन मी राइट नाउ डूइंग इज जस्ट द रिजल्ट ऑफ कंसिस्टेंट प्रैक्टिस ऑफ 3 years ऑफ योग आसनास and pranayama. And you know what is that thing which requires for the consistency, to maintain that consistency? Something which inspires you, something which motivates you, something which you want to be in your life. Actually all these factors basically divided into 2 components, the external one and the internal one. External factors like the people you are surrounded with, the society, events, circumstances. And let me tell you all that these external factors will never give you that driving force which you need in your life, because these external forces will keep on changing. The people will come in your life and they will go. The events will change, the intensity of the events, the results of the events and circumstances will change. So what you need then, what you need for that driving force which really inspiring you, that is something which comes from your inner soul, which is something internal. Yes? And that internal thing is far more better consistent than all those external factors which we have just now discussed, like all the society, people, events, circumstances, situations, incidences in your life. जो आपके साथ आगे तक जाएगा वो कहीं ना कहीं एक वो internal चीज़ है जो आपके साथ बनी रहेगी, जो आपको हर वक्त एक पुश देगी कि आपको रुकना नहीं है, आपको बढ़ते रहना है. You know, I used to be a software engineer, जैसे सबकी कहानी. Then software engineer, then Microsoft student partner, Google ambassador, Windows Ucrew ambassador, and then turned to be a successful international yoga trainer and standing in right front of you. You know, there is a very beautiful story behind it. Very beautiful. I was a scholar student. I was a very brilliant student according to my teachers and my family members. I, you know, scored always first in every competition, like in my academics also. और सिखाया भी यही जाता था, second नहीं आना है, always first. So दिमाग में mentality ऐसे बन गई कि आगे बढ़ना है, first ही आना है. First नहीं आए तो फिर कुछ भी नहीं life में, because बहुत सारे बच्चे स्कूल में हो या कॉलेजेस में हो, ऐसी अपब्रिंगिंग पेरेंट्स एंड यू नो वो कल्चर करता है कि आपको यही इसी कंपनी में प्लेस होना है, अगर वो नहीं तो टारगेट वहीं रखो. बट किसी ने बताया नहीं कि अगर सेकंड भी आओगे तो भी कुछ हार्म नहीं है, फिर भी दुनिया है, फिर भी लाइफ पूरी पड़ी हुई है. बट यू नो अनफॉर्चुनेट होते हैं वो लोग जो अपना सब कुछ दाव पे लगा के वो फर्स्ट आने के लिए अपनी सारी मेहनत, सब कुछ, अपने सारे इंजॉयमेंट्स, अपने इंटरेस्ट, सब कुछ असाइड रख के एक जैसे गधे की तरह लग जाते हैं उस चीज को अचीव करने के लिए कि बस यही करना है और कुछ भी नहीं है। और उनको कभी भी काउंटर पार्ट पता नहीं होता कि व्हाट इफ, अगर ये ना हुआ तो लाइफ में क्या बचेगा, क्योंकि सिखाया ही नहीं है। सिखाया तो फर्स्ट आना सिखाया है। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड जब मैंने अपना इंजीनियरिंग कोर्स कंप्लीट किया। I was having very good opportunities in my pocket, like I was placed in some good multinational companies, and I was like, now my things are set. People will not force me. My family people were, you know, will not force me for marriage and all. I'm set now. Then एक turning point life में आता है कि जब आपके हाथ में job offer का letter होता है, आपके पीछे बहुत सारे अच्छे-अच्छे tags होते हैं, मतलब you know catchy, attracting. Microsoft student partner, Windows app developer, uCruise student ambassador, कोई बना ही नहीं आज तक कॉलेज में। एंड उसके बाद आपको बोल दिया जाता है कि you are not here to do job, you just have to simply sit and you have to do whatever you want to do, सिर्फ घर रह के। Not because family ऐसी है, just because society में जो भी incidences उस टाइम पे हुए हैं, लड़कियों के साथ जो गलत चीज़ें हुई है, उसका इम्पैक्ट है ये कि जो लोग आगे बढ़ना चाहते थे, मेरे जैसे कितनी ही लड़कियां होंगी जो जॉब के लिए अपने 4 साल इंजीनियरिंग एंड 12 साल स्कूल में लगाने के बाद उसको ये बोल दिया जाता है कि अब आपको घर पे बैठना है। एंड इट्स नॉट द फैमिली फॉल्ट, वो सोसाइटी का प्रेशर कि उसकी जगह आपकी लड़की भी हो सकती है। एंड दैट डे वॉज द डे इन माई लाइफ which you know ruined everything, crushed all my dreams altogether. I went in such a depression, like what next? I'm left with nothing because जिस चीज़ के लिए कभी parties में नहीं गए, मतलब बहुत छोटी, not that clubbing party, but family के साथ time spend नहीं किया just because मुझे पढ़ना है, मुझे first आना है, I want to be first, I want to be unique, because ये सिखाया गया है। And then आपको पता चलता है कि अब you are left with nothing. और I am assuring you that बहुत सारी लड़कियाँ और even लड़के भी ऐसे होंगे जो मुझसे इस बात को connect कर पाते होंगे, because आप इतने time तक किसी एक चीज़ के लिए अपना time दे रहे हो और उसके बाद एक दिन में, एक second में सारी चीज़ें shattered. Everything. Because उस time पे बच्चे होते तो यही लगता है कि ये नहीं मतलब कुछ भी नहीं, सुसाइडल थॉट्स आना, बहुत सारी चीज़ें होती थी, बहुत सारी। एंड देन फिर मुझे एक दिन याद आया कि मैंने अपने कॉलेज टाइम पे कुछ तो एक ऐसी चीज़ सीखी थी कि मैं शायद उसको करूँ तो लाइफ में कुछ भी चेंज ना हो, बट एटलीस्ट मैं खुश तो रहना स्टार्ट कर दूँगी, या जो चीज़ है लाइफ में उससे तो सेटिस्फाई हो जाऊँगी। एंड दैट अमेजिंग थिंग वॉज अ ब्रीदिंग टेक्निक विच वी कॉल इट एज अ सुदर्शन क्रिया। आई स्टिल रिमेंबर एक आर्ट ऑफ लिविंग के हैप्पीनेस कोर्स में मैंने वो सुदर्शन क्रिया को सीखा और मैं छोड़ चुकी थी उसको, बिकॉज आई वॉज कम्प्लीटली एनग्रोस्ड इन माई स्टडीज एंड एवरीथिंग दैट आई यूज टू गिव द लेम रीजन वाई, लाइक वाई आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग इट, बिकॉज आई डोंट हैव टाइम। इन अदर वे आई डोंट हैव टाइम फॉर माई सेल्फ बिकॉज आई एम डूइंग स्टडीज। बट जब सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, व्हेन यू आर लेफ्ट विथ नथिंग, तब आपको ऐसी चीज़ें याद आती कि हाँ किसी टाइम पे मैंने इतनी सुंदर कोई चीज़ करी थी, तो कुछ बचा है नहीं, घर में बैठ के कोचिंग्स ही पढ़ाना है, सब कुछ करना, तो लेट्स स्टार्ट विथ दिस प्रैक्टिस ओनली। एंड यू वोंट बिलीव दैट सुदर्शन क्रिया टर्न टू बी द बिगेस्ट थिंग इन माई लाइफ, लाइक जो आज मैं हूँ उसकी वजह से हूँ। सुदर्शन क्रिया एक बार करने से आपको इम्पैक्ट नहीं मिलता है। सुदर्शन क्रिया मैंने स्टार्ट किया, मैंने रेगुलर प्रैक्टिस करा, बिकॉज यू सी ऑल योर फीलिंग्स इज एसोसिएटेड विथ योर ब्रीदिंग पैटर्न। व्हेन यू आर एंग्री, व्हेन यू आर इन एग्रेशन, आपका ब्रीदिंग पैटर्न कैसा होगा? यस और नो? सो योर ब्रीदिंग पैटर्न गोज वेरी फास्ट व्हेन यू आर इन पेन, व्हेन यू आर फीलिंग सॉरो फ्रॉम इनसाइड, यू आर ब्रीदिंग एट उसने मेरे साथ ऐसा किया, yes or no? So you see, all your emotions are associated with your breathing pattern. Once you control your breathing pattern, तो आपको वो emotions को handle करने की power मिल जाती है। वो इमोशंस को कैसे हैंडल करना है और उस सिचुएशन से कैसे ओवरकम करना है वो आपको मिल जाता है. आई वॉज नॉट नोइंग एनीथिंग मच अबाउट सुदर्शन क्रिया, बस मुझे ये था कि कुछ नहीं है. आई यूज टू डू योगा वेरी little bit in my school days, so I just started with the Sudarshan Kriya, and you won't believe, धीरे धीरे ऐसा life में change आता गया कि मुझे direction मिलता गया. Direction मिलता गया in the sense कि मे बी मेरे अंदर acceptance आता गया कि मे बी वो job मेरे लिए नहीं था. अगर वो job होता तो शायद मैं अभी यहाँ पर होकर आप लोगों से बात नहीं कर रही होती. I found my, you know, मैंने अपना पर्पस फाइंड किया कि मैं किस पर्पस से हूँ यहाँ पे. सब लोग अपना पर्पस लेकर आते हैं बट बहुत कम लोग होते हैं जो उस पर्पस को पहचान पाते हैं, उसके ऊपर काम कर पाते हैं और उसको आगे तक लेकर चल पाते हैं. एंड आई एम सो ब्लेस्ड इनफ कि मुझे वो लाइफ का पर्पस मालूम पड़ा कि व्हाई आई एम हियर. सुदर्शन क्रिया के बाद मुझे अपने हिडन पोटेंशियल्स पता चलने लगे. मेरी लाइफ में एक्सेप्टेंस आने लगा. एक्सेप्टेंस लाइक जो हुआ दैट इज फॉर द बेस्ट रीजन, बेस्ट फॉर एवर. बिकॉज यू सी, जब भी आपके माइंड में एक्सेप्टेंस नहीं आता है तो आप उस मोमेंट, उस प्रेजेंट मोमेंट को भी पूरी तरह से खराब कर देते हैं. बिकॉज यू हैव द पोटेंशियल टू गिव योर बेस्ट इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट, बट सिंस यू डोंट हैव दैट एक्सेप्टेंस लाइक ओके दिस इज हैपेंड विथ मी, हम उसी चीज़ को लेके रोते रहते हैं, करते रहते हैं. और यही चीज़ मैं इंजीनियरिंग के बाद, जॉब ना लगने के बाद इतना सारा भार लेके चल रही थी कि नाउ व्हाट नेक्स्ट, अब तो सब खत्म. बट जैसे मैंने ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, सुदर्शन क्रिया, प्राणायाम किया, तो मुझे कहीं ना कहीं अपने हिडन पोटेंशियल्स पता चलने लगे कि मे बी आई वॉज नॉट फॉर दैट पर्पस, मेरा पर्पस कुछ और है. और जब ये ये चीज़ दिमाग में आ जाती ना कि मे बी चलो वो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, उससे बड़ा सेटिस्फैक्शन आपको मिल ही नहीं सकता. बिकॉज आपके अंदर वो क्रेविंग होती है वो पर्पस को और अच्छे से जानने की, उसके लिए काम करने की. एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड विथ मी. आई स्टार्टेड डूइंग योगा, आई स्टार्टेड डूइंग माई ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, आई कंटिन्यू. जिस कंसिस्टेंसी की मैं स्टार्टिंग में बात कर रही थी, उसी सुदर्शन क्रिया की कंसिस्टेंसी के बाद मुझे अपनी लाइफ का पर्पस पता चला दैट आई एम हियर टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग एवरीवन रिगार्डिंग देयर मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ. हाउ मच इम्पॉर्टेंट दिस ऑल हेल्प फॉर ईच एंड एवरीवन आउट हियर. बिकॉज इफ यू आर फिजिकली फिट बट इफ यू आर नॉट मेंटली स्ट्रांग, यू वोंट बी एबल टू गिव योर 100%. But if you are mentally very strong but physically you are not in a condition to give your 100%, then also things will not work out for you. If both things are there, but if in your workplace, even in your workplace or at your family or business, anywhere, if you are not emotionally strong, if you are a very empathetic person in every situation, that means somewhere is an imbalance of the emotions. और हम इतने इमोशंस में बह जाते हैं कि अगेन देन फिर हमारी जो क्रिएटिविटी है, जो हमारे पर्टिकुलर हमारे खुद की ही फील्ड की जो क्रिएटिविटी है वो कहीं ना कहीं हिंडर हो जाती है. सो दिस योगा प्रैक्टिस एंड इन सारी चीज़ों का रियलाइजेशन मुझे ये सारी योगा प्रैक्टिस और इन सब के बाद हुआ. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जितना भी मैंने अचीवमेंट्स किया है योगा में इज जस्ट द प्रैक्टिस ऑफ 2.5 years एंड आई हैव बिकम द इंटरनेशनल ट्रेनर. सो सुदर्शन क्रिया हैज़ गिवन मी द वे लाइक मुझे कहाँ अपना एफर्ट डालना है. आई एम नॉट सेइंग यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं वो अपनी फील्ड में एफर्ट नहीं डालते, बट फॉर एन एग्जाम्पल अगर यहाँ पर कोई वॉल है, इफ़ आई विल पुट माई 100% टू मूव दैट वॉल, विल इट मूव? नो, इट वोंट. इफ आई एम अ सिंगल पर्सन एंड इफ आई एम ट्राइंग टू मूव इट, इट वोंट मूव. बट वाई? आई एम तो गिविंग माई 100% हियर. And the exact thing I was doing when I was doing my college things, I was giving my 100%. मैं सब कुछ दे रही थी और फिर लग रहा था कि अब ऐसे कैसे हो गया. So you need to understand कि आप किस चीज़ के लिए बने हो. आपका effort 100% है, no doubt in that. But क्या वो effort right direction में है या नहीं? The moment I started giving my whole efforts in yoga, in practicing yoga, in teaching yoga, मैं और आगे बढ़ती गई और मुझे खुद नहीं पता कि मैंने इतने कम टाइम में कैसे अचीव कर लिया। पीपल डोंट बिलीव मी कि आप 2 साल की प्रैक्टिस के साथ आप इतना सारा अचीवमेंट योगा में फ्लेक्सिबिलिटी के टर्म्स में नहीं ला सकते। ऑफकोर्स आई कैन डू, बट उसके पहले ये पता होना चाहिए कि मेरा एफर्ट कहाँ लग रहा है। और मुझे ये चीज़ पता चली कि आई एम मेड फॉर योगा, आई एम हियर टू स्प्रेड अवेयरनेस फॉर योगा। एक टाइम वो था जब इतना फैमिली, ऑर्थोडॉक्स फैमिली होने की वजह से सोसाइटी में जो भी इंसिडेंट्स होते हैं उसका सबसे पहला इम्पैक्ट आपकी फैमिली पे पड़ता है, और फैमिली के बाद आपके उनके बच्चों पे डिस्ट्रिक्शन सारे वहीं आते हैं। बट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि वॉट योर चाइल्ड वॉन्ट्स, वॉट योर चिल्ड्रन वॉन्ट्स टू डू इन देयर लाइफ। यू नीड टू, बींग अ पेरेंट्स, बींग अ मेंटर, बींग टीचर्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज यू नेवर नो कि एक वो छोटी सी बात सुन लेने से, उनके साथ टाइम स्पेंड कर लेने से वो बच्चा भले ही उस फील्ड में जहाँ वो आज है वो नहीं जाए, बट किसी और फील्ड में एकदम से जंप लगाए और मे बी कल वो आपके नाम से जाना जाए। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कल जिस लड़की को बाहर जाना अलाउड नहीं था यही नैरो माइंड सोच की वजह से, टुडे आई एम गेटिंग अपॉर्चुनिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड टू कंडक्ट द वर्कशॉप, टू क्रिएट अवेयरनेस फॉर योगा, नॉट ओनली इन इंडिया बट अब्रॉड ऑल्सो। सो जो बाहर, घर के बाहर नहीं जा सकती थी, आज वो कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रैवल कर रही है। सो इट्स जस्ट बिकॉज आई एम सो ब्लेस्ड दैट योगा हैज़ केम इन माई लाइफ। आई एम नॉट आस्किंग एवरी वन टू बी अ योगा ट्रेनर, बट आई विल डेफिनेटली से दैट फॉर योर मेंटल हेल्थ, फॉर योर फिजिकल हेल्थ, यू हैव टू डू योगा, प्राणायामा, मेडिटेशन, because that will definitely going to give you a direction that is going to increase your efficiency level of your particular field. Yes, I feel so proud today, like today I am running my own studios, yoga centers, एंड बहुत आगे पर्पस बहुत बड़ा है। पर्पस बिजनेस बनाने का नहीं है, बट ऐसे कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, इतने सारे लोग हैं जो डायरेक्शन लेस हो रहे हैं, जो होपलेस हो रहे हैं जस्ट एक फेलियर की वजह से। तो आई जस्ट वांट कि मैं उन लोगों तक पहुंच सकूं, उन स्टूडेंट्स तक पहुंच सकूं। ना ही सिर्फ स्टूडेंट्स, मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं जो 50s में है, 60s में है, एंड दे आर सो फेड अप विद देयर लाइफ दैट दे रियली वॉन्टेड टू एंड इट अप। But just understanding how the breathing can actually change their mind, they can do anything, they can achieve anything. उनका जो perception है, उनका जो perspective है life को देखने का, वो completely change हो जाता है। And nothing, I'm telling you, nothing is more important than being happy. Whatever you are doing, if you are happy, उससे ज़्यादा कुछ भी life में important नहीं है, कुछ भी नहीं। And I can proudly say that being a yoga trainer, I'm so happy today, so happy today. So this is for sure that whatever has happened in your life, just have the acceptance for it. Something which is destined to happen will definitely happen. You cannot do anything with it. Just trust your struggle. Just surrender your efforts to that divinity which is continuously supporting you, continuously. Just surrender yourself completely and let's go with the flow. Thank you so much. Namaste.